नमस्कार, यह एबीपी न्यूज। आप सुन रहे हैं आज की पांच बड़ी खबरें मेरे यानी श्वेता शर्मा के साथ। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर भारतीय सेना के हमले का एक नया वीडियो सामने आया। 21 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए एलओसी पर बनाए गए बंकरनुमा लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की वायुसेना के विमान ने सियाचिन के पास उड़ान भरी। हालांकि भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान के विमान ने भारतीय सीमा के अंदर उड़ान नहीं भरी। सहारनपुर दंगे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही हिंसा रोकने में असफल होने पर सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को सस्पेंड कर दिया। सहारनपुर रेंज के डीआईजी को भी बदलने का आदेश दिया गया है। प्रमोद कुमार पांडे को नया डीएम और बबलू कुमार को नया एसएसपी बनाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आयकर विभाग ने लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश को नोटिस भेजकर 6 और 7 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। मीसा भारती और दामाद शैलेश पर आरोप है कि मिशेल प्रिंटिंग कंपनी के नाम पर दोनों ने करोड़ों रुपए जमा किए और इस रकम से दिल्ली ब्रजवासन और दूसरे इलाके में 2 फार्म हाउस खरीदे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड रवाना होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हम जीत के लिए भूखे हैं। भारत 4 जून को बर्मिंघम के एजबैस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। इस वक्त दोनों देशों के रिश्तों के बीच काफी तनाव चल रहा है। ईस्कैन ने भारत में साइबर हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया। रैंसमवेयर हमले में गूगल और रेलटेल के रेलवेयर वाईफाई नेटवर्क पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। ऐसे में पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल आपके डेटा के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ईस्कैन ने यूजर्स को सलाह दी है कि वो पब्लिक रेल वाईफाई या फिर किसी भी पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करने से पहले खास ध्यान रखें। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।